आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, देवभूमि में जोरों पर चुनाव की तैयारियां। जी हां, बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, आज पीएम आएंगे हिमाचल, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुंदरनगर में पीएम की चुनावी जनसभा होने जा रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, हिमाचल की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देवभूमि में आज चुनावी जो तैयारियां हैं वो जोर शोरों पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं हिमाचल के सुंदरनगर, और आज पीएम में हिमाचल आ रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुंदरनगर में पीएम की चुनावी जनसभा जो कि बेहद महत्वपूर्ण, आपको बता दें सोलन में भी पीएम चुनावी रैली करेंगे। तो हिमाचल की जनता को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। चिन्मय कौशल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चिन्मय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं आज हिमाचल, और आज किस तरीके की रैलियों का कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है? सुंदरनगर में भी एक रैली आज होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पूरा गद्य पूरा स्फुरन है, भगवा करण इसका हो चुका है, और जगह जगह जो बड़े बड़े पोस्टर्स हैं नरेंद्र मोदी के उनके स्वागत के लिए यहाँ पर लग चुके हैं। बड़े बड़े द्वार है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, सुरक्षा का चाक चौबंद यहाँ पर कर दिया गया है। पूरा सोलन पूरा छावनी में यहाँ पर बदल दिया गया है, जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, मिलिट्री फोर्सेस वो तैनात है, और एसपीजी ने पूरा जो ग्राउंड है वो संभाल लिया है। और यहाँ के जो कार्यकर्ता है जो भाजपा के, उनमें बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है। सोलन शिमला सिरमौर की ये जो रैली है वो सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित होगी, तो उसके लिए जो तैयारियां हैं पूरी मुकम्मल हो चुकी है, और पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो पूरा सज चुका है। और करीबन ये जो दावा है यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा ये किया जा रहा था कि करीबन 1 लाख लोग है इस जो रैली में है यानी कि भाग लेंगे, और जो चेयर्स है वो भी यहाँ पर लग चुकी है, पंडाल भी यहाँ पर लग चुका है, और सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो इसके लिए भी एक ट्रैफिक प्लान यहाँ पर बना दिया गया है, जिसमें 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो माल रोड है पूरी तरह से बंद रहेगा, सिर्फ उसमें वीआईपी मूवमेंट्स रहेगी। और जब यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे करीबन 1 बजे का जो समय है उनका दिया गया है, तो यहाँ पर जो बड़े नेता है दिग्गज नेता है वो सभी यहाँ पर पहुंचना आरंभ हो गए हैं। कार्यकर्ताओं में भी जैसे तिरंगा है और जो उनका भगवा जो जो डालते हैं वो सभी डालकर यहाँ पर पंडाल में पहुंचना शुरू हो गए हैं, और सिरमौर से भी काफी ज्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं, और लगता है कि 11-12 बजे तक पूरे का पूरा जो पंडाल है वो भर जाएगा। और यहाँ पर सभी की नजर जो देश के प्रधानमंत्री के स्पीच के ऊपर रहने वाली है, और सभी को ये अनुमान है या ऐसा लग रहा है कि वो ओपीएस को लेकर भी कुछ घोषणा कर सकते हैं, तो इसलिए सभी उनको सुनने के लिए व्याकुल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह जो है वो बना हुआ है चुनाव, और जाहिर तौर पर चुनावी साल है, चुनावी वक्त है, ऐसे में अब कई जो केंद्रीय नेता हैं उनका भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री आज एक बार फिर से हिमाचल में मौजूद रहेंगे, कितना उत्साह वहां पर लोगों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि तैयारियां अंतिम चरण में होंगी। कितने बजे उनकी जो प्रधानमंत्री हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, रैली जो है वो उनकी शुरू हो जाएगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री है उनका ये पहले जब आए थे 2012 में, अब उसके बाद मिस्तारा में, ये जो दूसरी बार है वो यहाँ पर आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, और इसलिए लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और सभी काफी तैयारियों में जुटे हुए थे। काफी बसें हैं जो यहाँ पर लगा दी गई हैं, और बसों का मैनेजमेंट भी यहाँ पर कर दिया गया है, और सभी जो कि टीवी या में तो उनको देखने को मिलता है, लेकिन आज साक्षात उनको देखने को मिलेंगे, इसलिए लोग अपने गांव से निकल चुके हैं, अपनी बसों से निकल चुके हैं, और हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा, मैं इस तमाम